मेरे तमाम भैनों भरावों की मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक हो। सो आज ना मेरा विलाग जरा ना एक पुरानी जी जी ना हिस्टरी है तारीख ना एक पुरानी बिल्डिंग है जी सिमत कासा सिखा ने वेले ने बनते हैं गुरुद्वारा 1947 तो पहले ना बनते हैं। ये मीरपुर ने नवाई गाँव जातलां तो थोड़ा जी अगे जाओ अली बेग है जरा जिला भिंबर चमना अली बेग उत्थे एक बनते हैं। तो उत्थे जुलसा तो उत्थे भी तुम तकासा। तो फिलहाल मैं इतने खलोते हैं जातलां हैड पर पहुंचे हैं। तो मेरा कैमरामैन तका सकता है कि यह जातलां हैड ना नज़ारा है। यह तो कुछ जातलां हैड ना सारा नज़ारा। ये इतने पानी जाना इतों अगर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एरिया जो खोलने दरवाजे इतने लोग नहाने भी आते नीचे अगर नजर तुम कैमरामैन तका सकता नीचे लोग गर्मी ने इंजॉय भी कर रहे नहा भी रहे। तो हूँ चलने अस अगे अली बेग गुरुद्वारा तकने कितने दूर रहना इतों। अच्छा जी असं इस वक्त हम जुले सर इतने दो रस्ते किरने एक रस्ता उधरू पारू जा रहा अगर मेरा कैमरामैन तका सकता एक रोड पारली साइडू है तो एक रारली साइडू है। तो इतने कुछ बंदे बैठे हुए तो उन्होंने को जुलने उन्होंने को पूछने कि यह रस्ता कड़ा इतों जाने वाली बेग। तो इतना कोई भाई और बैठे तो जुलने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जनाब ठीक हो। अली बेग जाना है तो कोई रास्ता से डायरेक्शन दस दियो जनाब। ए रास्ता भी जाना और पारला भी जाना। ठीक है तो बेहतर है जनाब उस रास्ते जाओ। ठीक है थोड़ा अगे जासो अली बेग गुजरा आपसी। ठीक है उस थोड़े अगे जासो जनाब दरम्यान जो रास्ता जासी सीधा गुरुद्वारा जासी जनाब। ए राइट साइड या लेफ्ट साइड हो? ए जनाब लेफ्ट साइड। असन खब्बी साइड हो? खब्बी खब्बी साइड जी हां। ठीक है कितना एक फासला है इथू? इथू जनाब तकरीबन 1.5 किलोमीटर है जनाब। अच्छा अच्छा तो क्या नाम है सनो? मेरा नाम जनाब कारी आशिक हुसैन जनाब। माशाल्लाह जी कारी आशिक साहब सुना सा नाल तो इन असा की रस्ता दस है बड़ा बेहतरीन जी ना दो रस्ते दस है जी पारले रस्ते तुम जाओ तो तुम पहुँच जाओ सो बड़े ईजीली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत थैंक यू जनाब साढ़े इलाके आए हो जनाब तुम जनाब तो थोड़ा जनाब पानी पेश करने जनाब। नहीं जनाब असा लंबा सफर है थोड़ा जागे भी असा बागसर ही जाना है तो लेट हो जाए वापसी इंशाल्लाह सौ लाख ना ना जरूर स्टे करनी है जनाब। माशाल्लाह जी ये ऐसा दो बंदे खा लैसे बहुत बड़ा नजर आ रहा है छोटा जहा ठीक है दो बंदे ठीक है। चलो जी चार टक लवाने इतने कटाई हो लगी है दवाने नहीं तो टक्की लग लगी है तो तकने असने किस्मत की सूई है या चिट्टी है कट्टो जी भाई जी दवाना कैमरा मैन अगर तुम कोल आके दस दवाना सूआ निकल सी या चिट्टा निकल सी। माशाल्लाह जी ये टक्की लग गई है तो टक्की तो लगता है सूआ रहा माशाल्लाह जी तको उसी कैमरे नज़र आ रहे उसी सूआ दवाना बिल्कुल तो ये इन्ना मजबूती ना छुरी तक सकने तो इसमें बिचू ये सूह है सारा तो हम चेक करने मिठा भी है योगी ला जी बिल्कुल ये इतने की लोकल सौगात है इतने की पैदावार है जो आज़ाद कश्मीर जो जातलां ने करीब जो इलाका जितने फसल लगाई जानी है तो अस हूँ इंजॉय करने दवाना खाने तो तुम वीडियो इंजॉय करो। फाइनली जी असं गुरुद्वारा पहुँच आए हैं तो तुसा कि गुरुद्वारा चेक करने सिखा ना गुरुद्वारा है पुरानी हेरीटेज है ये अली बेग ने अंदर मौजूद है जिला भिंबर ने अंदर। तो मेरा कैमरामैन अगर तका सकता है इतने एक बुजुर्ग भी आता उन्होंने को इसकी हिस्ट्री थोड़ी जी पूछने तो यह गुरुद्वारा है जी मेरा कैमरामैन अगर तका सकता है ये गुरुद्वारा है तो इतने बुजुर्ग मौजूद हैं तो जुलने तो इन्होंने को पूछने इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कैमरामैन मेरे नाल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब क्या हाल है सर? ठीक हो? हां ठीक ठाक है। तो जनाब एक जगह है ये अली बेग रहियां जी। अली बेग रहियां ते इस गुरुद्वारे की कते क्या तारीख है? ये जनाब तकरीबन मेरी होश तू पहलने मतलब जिस तरह भी तकने हैं ऐसा ही तकने हैं।
अच्छा जी, इन्हें बुजुर्गों ने इसलिए एज हो सी कोई 70-75? नहीं, मेरे तकरीबन 58 साल उम्र। अच्छा, 58 साल है। तो इन्हों ने एज दू पहले आने जो पैदाइश है मेरी, तो उस तू पहले ना बनते हैं, तो अंदर जुलने हैं, तो हम तकने कि इसमें क्या क्या चीज़ा मौजूद हैं या नहीं। अच्छा जी, इतना जी तख्ती लगी हुई है, इतने उर्दू च कोई लिखे है 25 रुपया जो लिखे है कुछ, तो इतने लिखे है 25 रुपये सेवा कराई सरदार गोपाल सिंह कबूतरा। ये हूँ असा तो नहीं पता इसकी क्या चीज़ है, इतने तख्ती बगैर टुट गई है। तो असा लोगों की अपील ही करने कि जरा ना ये असन तारीखी मकामात होने तो इन पर जो चीज़ें होनी इन्होंने हिफाजत करो, इन्हें इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। तो हम अगर जुलने तो ये देखो ये उस वेले सीढ़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो उस तरह ही मौजूद हैं बिल्कुल ठीक। तो अगर मेरा कैमरामैन तका सके है उपर कोई जी होने असने सिख सिखा जबान कोई लिखे है असा तो नहीं पढ़ सकने क्या लिखे है, तो अगर वो इस कैमरे में वीडियो असन तक रहे ना वो पढ़ सकने के क्या लिखे है, तो मेरे कमेंट्स में भी दसन के क्या लिखे है। तो असें इतना खास पता नहीं अंदर जुलने तो चेक करने इतने और क्या क्या बनती है। ये मार्बल लगे है तकरीबन 100-150 साल का पुराना हो सी, उस सारी ये तमीर हुई सी अपने जो सिख भरा उन्होंने बनाया है। तो ये किस तरीके अज भी मौजूद है अपनी असली हालत ही मौजूद है। तो इधर कैमरा मैन अगर तका सके ये भी कोई बनते है कितों रस्ता जाना है, तो असा फिलहाल मेन इंटर होने हैं मेन रस्ते चू। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हाँ गुरुद्वारा अली बेग ने अंदर, ठीक है। तुसा बाहर तख्ती भी तकी उसी उस तख्ती लिखे सी सरदार गोपाल सिंह कबूतरा, ठीक है। हूँ ये असने सिख भरा जितने भी हैं वह तकने भी उसने वीडियो उसने दस सकने कि सरदार गोपाल सिंह अली बेग आज़ाद कश्मीर मीरपुर एक ज़िला है, उसने उसने नाल पहले होना सी मीरपुर ज़िला जो होना सी उसने अंदर पिंबर भी मौजूद सी कोटली भी, हूँ ज़िले अलग अलग हो गए पिंबर अलग हो गया है। हूँ असं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की आ गए जातलां थोड़े जे फासले पर अली बेग एक ग्रां है उसने अंदर एक गुरुद्वारा मौजूद है। तो तमाम जो सिख भरा तकने उस उन्हें पता उसी कि गुरुद्वारा एक जगह मैं ना लै रहा तो 47 तो पहले ने बनते हैं वो इसकी हिस्ट्री दस सकने थैला कमेंट भी कर सकने। तो तुम तख्ती बार पढ़ी उसी मैं तुम्हें तख्ती तकई सी उसे लिखा सरदार गोपाल सिंह। तो बुजुर्ग इतना असा मौजूद सन मकसूद साहब उन्होंने दसिया कि इस गुरुद्वारे ने बेसमेंट भी बनती है तो थैला सुरुंग है वो सुरुंग दसने कि इतों कैमरा मैन अगर तका सकें ना तो वो कुछ तक जा अल्फाज उन्होंने जो उन्हें किताब ही उस जिस तरह असं अपने आयत वगैरह लिखने अपन अपनी मस्जिदों इस तरह वो अपनी इबादत गाहों से लिखने उस इतना कुछ भी लिखे है। तो जितने भी असने कोई वीडियो तकने लिए उस वो असं दस सकने कि क्या लिखे है इसने पर, ठीक है। इस वक्त इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसने गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने पर सियासत महकमा सियासत तवज्जो दे रहा है तो अंदर जुलने और मजीद। तो ये बिल्कुल सफाई ना कोई इतना इतना बेहतर इंतजाम नहीं। तो अगर कैमरा मैन अगर तका सके ए कोई लिखे है ए कोई तख्तियाँ लगी हैं कैमरा मैन अगर क्लोज करा ये हूँ कोई लिखे है कोई समझ नहीं आ रही क्या लिखे है ये उन्होंने जबान ही ची है ये सारा तकाओ जी कैमरा मैन सारा तकाओ बिल्कुल जी एथू क्लोज करो जी ए क्या लिखे है अगर एथू क्लोज करो अगर पढ़न तो जो असने सिख तकने वाले सरदार है ना वो पढ़न तो दसन कि क्या चीज़ लिखी हुई है इसने पर तो मेरे वीडियो कमेंट भी करन कि इसने क्या लिखे है इसने क्या मतलब है। अगर ये देखो कितना बेहतरीन इन्हें बनाया स्ट्रक्चर एथू तुम दसो जी कैमरा मैन ये दिखाओ कितना प्यारा स्ट्रक्चर है देखो वो अगर तक नज़र आ रहा है। अगर अच्छा जी ए मेन इंटरेस्ट है अस खलोते हुए इतना वो शायद इतना बह गए अपनी इबादत करने उस अगर तका सकेंगे किस तरह ये बेहतरीन किस्म की टाइल लगी हुई है उस दौर च टाइलों किस तरह तैयार इन्हें कितिया उस जी बड़िया बेहतरीन टाइल लगे तो ये इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके बनाया है। ये डबल स्टोरी है तो इसने उपर ही जुलसा चेक कर सा कि एक डबल स्टोरी किस तरह बनती है तो हूँ जुलने उपर तो चेक करनी है।